जन जन की आवाज़ डीएन भारत में आपका स्वागत है। और आज बीजेपी कार्यालय में महिला मोर्चा की बैठक रखी गई, जिसमें महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनकी समस्याओं को सुनी गई, कैसे उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जाए, इस चीज पर चर्चा हुई। वहीं आज जेम पोर्टल की राष्ट्रीय प्रभारी उषा वाजपेयी मौजूद रही। जीएन भारत से उन्होंने काफी कुछ बातचीत की, जीएन भारत के सवालों का उन्होंने उत्तर दिया। आइए आपको भी सुनाते हैं। डायरेक्ट उनका सारे के सारे खाते में आ जाएगा। और जेम पोर्टल में बड़ी अच्छी सुविधा दी भी गई है, जेम संवाद है, जेम सहायता है और ग्रीवेंसेस पोर्टल है। ये सब हम इनको सिखाने और समझाने आए हैं और इस स्वच्छ और पारदर्शी व्यवस्था से जुड़े और अपने उद्योग को आगे बढ़ाए और खुद को सक्षम करे, देश को आगे ले जाए, बस यही मनसा से भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा की संकल्पना को लेकर पूरा महिला मोर्चा इसमें जुड़ा हुआ है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ, हम बहुत जल्दी देश का इतिहास भी बदलेंगे, जीडीपी भी बदलेंगे, महिलाओं को आर्थिक सक्षम बनाएंगे। मेरी टीम से झारखंड से विनीता कुमारी जी हैं, हमारी झारखंड की अध्यक्षा, जो बहुत ही सक्षम है, बहुत ही आतुर है इन सब चीज़ों को करने के लिए और झारखंड की महिला मोर्चा को सशक्त बनाने के लिए। तो इनके आग्रह था, हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे आज मैं ये कार्यशाला ले रही हूँ। अरे रांची तो धड़कन है मेरी, बहुत सुंदर जगह है, बहुत खूबसूरत है। अंग्रेजों के ज़माने में भी भाग के आ जाया करते थे समर कैंप करने के लिए। इस तरह का सुंदर वातावरण ही नहीं है तो लोगों का दिल भी उतना ही, हृदय भी उतना ही सहृदय है। तो पूर्व अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष तो मेरे साथ हैं, पहली टीम में भी थी, वो बहुत सक्रिय थी, अच्छे से काम किया करती थी और आगे लेके गई हैं, छोड़ के गई हैं विरासत, उन्हीं की पच्चीनों पर चल रहे। कोई भी पद खाली नहीं रहना चाहिए और इस पर मैं अप्रोप्रिएट पर्सन नहीं हूँ कि इस पर कमेंट करूँ, पर ऑफ कोर्स एज अ महिला, हर झारखंड में महिला मोर्चा, अरे महिला आयोग का होना आवश्यक होता है। हर जगह, हर राज्य में बनाई गई चीज़ें, हमारे केंद्र से जब ये निर्णय लिया गया है नेतृत्व का, तो हर जगह वो होना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। इस तो वहीं आपने सुना कि उषा वाजपेयी जी ने क्या कुछ कहा और उन्होंने ये भी कहा कि जो महिलाओं की समस्या है उसका जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए। आप ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जीएन भारत। रांची से सहयोगी शिखा श्रेया के साथ मैं राशिका बजाज, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।